कोई टेंशन नहीं है, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। अरे कोई टेंशन नहीं, मैं संभाल लूंगा, कुछ नहीं करना। हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये क्या डिस्कशन हो रहा है, चुप हो जाओ सारे, चुप हो जाओ। आ गया हूँ। क्या हो गया तुम लोगों को आज हैं? जब मैं आता हूँ तो तुम सबको कुछ बोलना होता है, भूल गए क्या? क्या हो गया है इनको आज, बड़े सीरियस दिखाई दे रहे हैं। गेजर बेटा, हाँ तुम बताओ क्या हुआ है। हाँ मास्टर जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो बोलो। हाँ हम साथ में बोलेंगे, ठीक है? अरे गुड मॉर्निंग तो तुम लोग साथ ही में गाते हो, इसमें बताना क्या, बोलो बोलो। हम बोलते हैं मास्टर जी, 1 2 3, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे हम बच्चे अब नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे हम बच्चे अब नहीं पढ़ेंगे। चुप हो जाओ सारे, चुप हो जाओ। क्या ये क्या चल रहा है? चुप। अरे मेरे क्रांति वीरो, ये क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलते, पढ़ाई बहुत जरूरी है। नहीं मास्टर जी, हमने तो अब डिसाइड कर लिया है, फुल एंड फाइनल कर लिया है कि अब हमें नहीं पढ़ना। बोलो दोस्तों, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे हम बच्चे अब नहीं पढ़ेंगे। अरे अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पढ़ेंगे पहले ये तो बताओ, ये नारे किस बात के लगा रहे हो? मास्टर जी, हम बच्चों के साथ सदियों से नाइंसाफी हुई है, हमें हमेशा दबाया गया। मास्टर जी मैं कह रहा हूँ मास्टर जी, सदियों से हम पे प्रेशर बनाया गया है, मतलब इतने छोटे छोटे हम बच्चे हैं, बताओ मास्टर जी, और इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, हमारे छोटे छोटे ब्रेन्स पे कितना प्रेशर डालते हैं मास्टर जी, हमसे हैंडल नहीं होगा मास्टर जी, हमसे हैंडल नहीं होगा, हमने तो डिसाइड कर लिया है ना। हाँ डिसाइड कर लिया कि अब हम नहीं पढ़ेंगे। बोलो दोस्तों, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। अरे फिर शुरू हो गए, अरे नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। अरे शांत, अरे बात करते हैं ना, अरे चुप हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, हैं जिंदगी में क्या बनोगे, बताओ मुझे बताओ। मास्टर जी इसकी टेंशन आप मत लो, हमने सब फाइनल कर लिया है ना। हाँ हमने ये डिसाइड किया है कि हम सब बड़े होकर टीचर बनेंगे आपकी तरह। हाँ हमने देखा है मास्टर जी, आप सिर्फ पढ़ाते रहते हो, पढ़ते नहीं हो मास्टर जी, नो टेंशन। अरे बेटा मैंने पढ़ाई की तभी तो मैं टीचर बना, मास्टर जी बना, समझे कि नहीं समझे? पर मास्टर जी हमने तो कभी देखा ही नहीं। अरे जब मैं पढ़ता था तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे, कैसी बातें कर रहे हो? मास्टर जी वो हमको नहीं पता। oh, no. हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमने नहीं देखा। और हमने अब तो फाइनल कर लिया, अब हमारा डिसीजन कोई नहीं चेंज कर सकता, अब हम नहीं पढ़ेंगे। इट्स आवर चॉइस, नो वन कैन स्टॉप अस मास्टर जी, है ना? तो नहीं पढ़ेंगे मास्टर जी ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, एक बार मेरी बात सुनो, सही कह रहे हो तुम, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस एंड नो वन कैन स्टॉप यू। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें ये अधिकार मिला है, समझे? तुम तो आज ये कह दे रहे हो कि तुम्हें नहीं पढ़ना है, हमें किताबें नहीं चाहिए, ये वो, लेकिन तुम्हें पता है दुनिया में ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी चीज़ की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते। कोई गरीब है, किसी के आसपास स्कूल नहीं है, किसी के परिवार वाले उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते, न जाने कितनी सारी मजबूरियां हैं। पता है वो सिर्फ इसी बात की दुआ करते हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक चांस मिले, ताकि वो खुद को प्रूव कर सकें, पढ़ लिख कर कुछ नाम रोशन कर सकें।
तुम्हें तो सब कुछ मिला है बच्चों, और तुम ये जो कह रहे हो कि पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, बेटा मैं तुम्हें बता दूं कि लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान पढ़ा लिखा होता है लोग उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, उसकी बात समाज में सुनी जाती है। वो समाज में अगर कोई चेंज लाना चाहता है तो लोग उसकी मानते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, उसके पास ज्ञान है, उसने दुनिया के बारे में जाना है, समझे। और इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए हर साल पूरी दुनिया में 8 सितंबर यानी 8th of September को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है, समझे, ताकि हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, समझे कि नहीं समझे। और तुम ऐसी बात करते हो, बताओ। मास्टर जी आपने हमारी आंखें खोल दी, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम इतने लकी हैं और हमें पढ़ने का मौका मिला है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम मन लगाकर पढ़ेंगे। हाँ सॉरी मास्टर जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं वे, नहीं नहीं मास्टर जी, सॉरी से कुछ ना होने वाला, मैं एक और नारा गाना चाहता हूँ। कुंगी बेटा तुम क्या बोल रहे हो? सुनो तो मास्टर जी, 1, 2, 3, 4 बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर हम आगे बढ़ेंगे। ओ भाई गुरु ठोको। शाबाश बच्चों, वाह, हाँ मन लगा के पढ़ना है। चलो चलो सब अपनी किताबें निकालो। और आप, हाँ आप मेरी बात सुनिए, मैं मोटू मास्टर जी और मेरे सारे बच्चों की तरफ से, फन किड्स इंडिया की तरफ से आप सभी को इंटरनेशनल लिटरेसी डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल फन किड्स इंडिया। एंड हाँ, हमारी वेबसाइट पे भी ज़रूर जाइएगा, funkids.in, एक्सक्लूसिव कंटेंट वहीं मिलता है। और हाँ, सोशल मीडिया जितने हमारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब पे जाके हमें फॉलो कीजिए, समझे। तो भाई तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, खुद भी आगे बढ़ते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए, फन किड्स इंडिया। चलिए धन्यवाद, बच्चों को पढ़ाना भी है। चलिए बाय बाय, टाटा।